नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ विशाल। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। कोरोना पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान। कोरोना से शहीद जवान के परिवार को 50 लाख का आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। एमपी में कोरोना की 7 दिन में पहली बार संक्रमण दर घटा। रिकवरी रेट बढ़कर पहुंचा 81%। एमपी 8 में से 4 जिले में प्लांट शुरू। नए प्लांट से 180 जगह सिर्फ 100 सिलेंडर ऑक्सीजन मिल रही है। 42 जिलों में ऑक्सीजन प्लांट लगने में लगेगा समय। एमपी बोर्ड की 10वीं के छात्रों के लिए जरूरी खबर। 10वीं की रिजल्ट सीबीएसई के तर्ज पर बनाने की सहमति। 12वीं की परीक्षा को लेकर फिलहाल निर्णय नहीं। एमपी में ऑक्सीजन की कमी से 3 कोरोना मरीजों ने तोड़ा दम। ग्वालियर के सबसे बड़े अस्पताल जय रोग में ऑक्सीजन कमी से मरीजों में डर। देश में पहली बार ड्राइव इन कोविड टेस्ट का प्रारंभ। इंदौर के नेहरू स्टेडियम में और दशहरा मैदान पर कोविड टेस्टिंग वाहन का आगाज। देश का पहला ड्राइव इन कोविड टेस्ट। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर आपको मुरैना से बता रहा है। जिला अस्पताल की हालत बस से बदतर हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 8 वेंटिलेटर होने के बाद भी उपयोग नहीं। जिला अस्पताल के 8 वेंटिलेटर ने जिला कलेक्टर और हॉस्पिटल प्रबंधन ने साधी चुप्पी। बड़ी खबर आपको मुरैना से बता रहे हैं, जिला अस्पताल की हालत बस से बदतर। 8 वेंटिलेटर होने के बाद भी उपयोग नहीं। जिला अस्पताल के 8 वेंटिलेटर ने जिला कलेक्टर और हॉस्पिटल प्रबंधन में साधी है चुप्पी। बड़ी खबर मुरैना से आपको बता रहे हैं, जिला अस्पताल की हालत बस से बदतर। 8 वेंटिलेटर होने के बाद भी उपयोग नहीं। जिला अस्पताल ने के 8 वेंटिलेटर में से उपयोग में नहीं लाए जा रहे हैं और प्रशासन ने इस मामले पर जिला कलेक्टर और हॉस्पिटल प्रबंधन ने इस मामले पर चुप्पी साध रखी है। आठ वेंटिलेटर होने के बाद भी उसे प्रयोग में नहीं लाया गया है। जिला अस्पताल के 8 वेंटिलेटर ने इन दिनों दबाव में प्राइवेट एम्बुलेंस चालक लोगों को खुलकर लूट रहे हैं। जहां पहले एम्बुलेंस दबाव से जबलपुर तक 3500 रुपये किराया लेती थी, तो अब वहां 15,000 से 20,000 रुपये तक का किराया वसूला जा रहा है। जहां एक ओर पूरी दुनिया भारत को कोविड संकट से बाहर निकालने के लिए हर संभव मदद कर रही है, तो वहीं ऐसे लोग भी सामने आ रहे हैं जिन्हें दूसरों की परेशानी से कोई मतलब नहीं है। उन्हें तो बस अपनी जेब भरने का भी मतलब है। अरे मेरी तो बात सुन लो एक मिनट। मैंने आपको 18,000 रुपया दे रहे हैं, अब दे कर 1,000 और दे दो। नहीं तो आप एक सीटी स्कैन कराने गए और मेडिकल गए। कोरोना कर्फ्यू लगातार प्रभावी रहेगा। नहीं नहीं काहे को कर रहे तुम आओ को और क्या करें। आप काम है बटे ऊपर से जो चीज महंगी मिले। आज आपको पेट्रोल 600 को मिल रहा है, आपका डलवा रहे हैं। एक तो मंडला जिले की नैनपुर तहसील के पास एक कार में अचानक आग लग गई और कुछ ही देर में कार तेजी से जलने लगी। वहीं मौके पर कार में सवार लोगों 4 बाहर से कूदकर अपनी जान बचाई। घटना की जानकारी दमकल विभाग को दी गई। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया।
रतलाम जिले में एक अनोखी शादी देखने को मिली है, जहां एक कोरोना संक्रमित युवक ने पीपीई किट पहनकर पूरे विधि विधान से शादी की। दरअसल युवक की शादी की तैयारियां पूरी हो चुकी थी, लेकिन उसने कोरोना के लक्षण आने के बाद अपना टेस्ट करवाया तो उसकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव निकली, जिसके बाद दूल्हा दुल्हन और उनके अन्य परिजनों ने पीपीई किट पहनकर दोनों की शादी कराई। आज उज्जैन के एक महेश्वरी परिवार ने पुलिस और प्रशासन को एक एम्बुलेंस सौंपी है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि अभी जो परिस्थितियां हैं उसमें, जो परिस्थितियों में जिस प्रकार से अभी मेडिकल सर्विसेज और मोबिलिटी जो ज़रूरत है उसको ये पूर्ति करने के लिए एक अच्छी पहल है, एक अनुकरणीय पहल है। सर, ये एम्बुलेंस हमने उज्जैन पुलिस प्रशासन को जनता की सेवा के लिए सौंपी है। इसमें जनता को जो भी कॉल करेगी प्रशासन द्वारा दिए गए नंबर पे, वहाँ से वो मरीजों को लाएगी और वापस अपने घर छोड़ने का कार्य करेगी। उज्जैन में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिससे आए दिन शहर में एम्बुलेंस की कमी पड़ रही है। उज्जैन में एम्बुलेंस की कमी को दूर करने के लिए अब अमेरिका और पुणे से मदद पहुँच रही है। दरअसल उज्जैन के रहने वाले इंजीनियर जनक पांडे ने अपने अमेरिकी और पुणे में रहने वाले मित्रों से उज्जैन में एम्बुलेंस की कमी को लेकर बात की, जिसके बाद तीनों मित्रों ने अपने खर्चे पर जिला अस्पताल को एम्बुलेंस देने का निर्णय लिया। इस बात को लेकर जनक मांडे ने कलेक्टर आशीष सिंह से भी चर्चा की। कलेक्टर ने एम्बुलेंस को प्रशासन के नियंत्रण में चलाने की शर्त रखते हुए अनुमति दी है, जिसके बाद जनक मांडे ने जिला अस्पताल को एम्बुलेंस सौंप दी। कोरोना के कहर को रोकने के लिए दमाहों पे लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन लॉकडाउन के चलते गरीब और छोटे व्यापारी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि लॉकडाउन की वजह से कोई ना कोई उनका सामान खरीदने नहीं आ रहा, जिससे उन्हें अपनी आजीविका चलाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि प्रदेश सरकार ने गरीबों को तीन महीने का राशन देने की घोषणा तो कर दी थी, लेकिन अभी तक बहुत से लोगों को उसका लाभ नहीं मिल पाया। लगभग कितने रुपए की का व्यापार कर लेती हैं आप? मछली अब जैसे बिक जाए तो कहाँ से 500 को बिक जाए, 100 रुपया को नहीं बिकती। अब आदमी कोरोना है सो मटका ले रहा है, कुछ नहीं रहा है, बैठे हैं। तो लॉकडाउन जो लगाया गया है इससे आप संतुष्ट हैं या नहीं है? अब है भी वो नहीं है, अब पर यार लोग हो इनके तरफ हो है तो ठीक हो, गरीब के तरफ नहीं आ सकता ये सही तो है। लगभग दिन भर में कितने रुपए का व्यापार कर लेती हैं आप? लॉकडाउन से आप संतुष्ट हैं? फिर कैसे चला रहे हैं आप परिवार को? हम लोग को मुद्दा चल रहा है, जब आदमी ही नहीं आ रहे हैं तो कैसे बिक्री हो रही है? कुछ खरीद के माल डाले, कुछ बना के धरे हैं। अब मजदूर आदमी कौन सी मजदूरी कर लेगा? मजदूरी की तो नहीं लग रही, तो क्या करें? अभी पार्टी नहीं लगाई दुकान हमने, आज देखे कि थोड़ी बहुत आदमी चल रहे लगा लिए, वो भी बैठे रहते हैं, क्या करें? कौन सा उपाय है? हम लगभग कितने की बिक्री हो जाती है दिन भर में? दिन भर में हो जाती सर 4-5 हज़ार की, मगर इस समय अभी नहीं हो रही, आपसे बता पर कोई व्यवसाय मतलब ये चल ही नहीं रहा है। सरकार ने ऊपर से लॉकडाउन लगा दिया है, अब लॉकडाउन तो लगा दिया पर सरकार से कोई मदद तो है नहीं। अगर हम दुकान नहीं लगाएंगे
तो चलेगा कैसे? आज हमारे आज गन्ना नहीं बिका, यहाँ सुबह से खड़े हैं, वैसे ही लॉकडाउन है, सड़कों पर कोई नहीं है और सरकार की तरफ से कोई मदद भी नहीं मिल रही। लगभग कितने रुपए का व्यापार कर लेते हैं आप दिन भर में? दिन भर में 200-300 रुपए का कर लेते थे, वो ही नहीं आ रहा क्योंकि लॉकडाउन है, इसलिए अब क्या करें, सरकार से कोई मदद की आशा भी तो नहीं है। क्या चाहते हैं आप? यही चाहते कि सरकार से कुछ मदद हो। यहाँ रुकते हैं, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, आइए मेरे साथ आप संकल्प लें कि हम कोरोना से सावधान रहेंगे और अपने साथियों को भी इससे सावधान रखेंगे। आप भी इस घातक विषाणु को रोकने संबंधी सभी आवश्यक सावधानियां बरतने का वचन दीजिए। वचन दीजिए कि सदैव मास्क पहनेंगे और दूसरों से कम 2 गज की दूरी बनाए रखेंगे और हाथों को साबुन और पानी से धोएंगे। वचन दीजिए COVID-19 के लक्षण महसूस होने पर मैं तत्काल चिकित्सा सलाह लूंगा। COVID-19 से जुड़े आचार व्यवहार का पालन करेंगे और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान हमारे देश में चल रहा है। ये वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है, बारी आने पर इस वैक्सीन को आप जरूर लगाएं। टीका लगाने के बाद भी मास्क लगाना व 2 गज की दूरी रखना आवश्यक है। हम सब एक साथ मिलकर COVID-19 के खिलाफ इस लड़ाई को जीतेंगे। दवाई भी कड़ाई भी। सुबह के लिए उड़ चला गारों की जमी पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की जमी पर, मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान, दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छतरपुर जिले से बड़ी खबर सामने आई है। जिले की बागडोर संभालने वाले प्रशासनिक अधिकारियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आपको बता दें कि छतरपुर SGM अविनाश रावत और छतरपुर तहसीलदार संजय शर्मा की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। साथ ही छतरपुर CSP लोकेंद्र सिंह और नौगांव तहसीलदार की भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। छतरपुर जिले के छतरपुर शहर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि छतरपुर SDM अविनाश रावत और तहसीलदार संजय शर्मा की रिपोर्ट कोरोना संक्रमण के कारण पॉजिटिव आई हुई है। तो वहीं छतरपुर शहर के CSP लोकेंद्र सिंह और नौगांव तहसीलदार की रिपोर्ट भी कोरोना संक्रमण के कारण पॉजिटिव आई हुई है। सोमवार के दिन अस्पताल में 4 संक्रमितों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। तो वहीं 424 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। कुल संक्रमितों की संख्या 6508 हो गई है। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के RT-PCR लैब से 376 संक्रमित मरीजों की खबर है। तो वहीं 186 मरीज स्वस्थ होकर भी घर गए हैं। छतरपुर के पुलिस लाइन में एक कर्मचारी और हिनौता थाने में पदस्थ 6 कर्मचारियों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई हुई है। खजुराहो के एयरपोर्ट में भी एक कर्मचारी कोरोना संक्रमित हुआ है। तो वहीं छतरपुर के जिला प्रशासन के द्वारा लगातार लोगों को समझाइश दी जा रही है और सोशल डिस्टेंस और कोविड के नियमों का पालन करने को लेकर भी कहा जा रहा है। छतरपुर से विनोद मिश्रा की रिपोर्ट। प्रशासन ने अपनी शक्ति बढ़ा दी है और सड़क पर चलने वाली जनता से सफाई को लेकर अपील के साथ साथ कड़ी कार्रवाई भी कर रही है। साथ ही सड़क पर थूकने वालों से खुद ही सफाई करवा रही है। अशोकनगर जिले में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। जिले में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 60 नए मामले सामने आए। जिले में अब एक्टिव केस की संख्या 2494 हो गई है, जिसमें 1865 लोग संक्रमण से जंग जीतकर
अपने घर लौट गए हैं। अब तक जिले में 21 लोगों की मौत हो चुकी है। आज कैलाशवासी श्रीमंत माधवराव सिंधिया स्वास्थ्य सेवा मिशन की तरफ से जो क्वारंटाइन सेंटर आज हमने शुरुआत की है, और इसमें सारी व्यवस्थाएं जो जैसे शासन की गाइडलाइन है उसी प्रकार जो भी क्वारंटाइन यहां पर होगा व्यक्ति, उसके लिए रहने की व्यवस्था बढ़िया, सारे पंखों की व्यवस्था है, लेटरिन बाथरूम पानी सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी की है, और खाना सुबह जो टाइम है नाश्ता का, नाश्ता दिया जाएगा, अलग अलग नाश्ता दिया जाएगा पर डे बदल कर चालित होता है, जिसके माध्यम से आप सबको पता है कि लाइफ लाइन ट्रेन आती थी जिसमें करोड़ों रुपए का वहन खुद श्रीमंत सिंधिया जी करती थी मिशन के माध्यम से। तो अब चूंकि ये मौका इस समय जो आया है हमें कल्पना नहीं की थी, तो उसमें महाराज लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में उनकी इच्छा है कि जहाँ भी जरूरत लग रही है या कमी है तो वहाँ माधव सिंधिया स्वास्थ्य मिशन की ओर से क्वारंटाइन सेंटर खोले जाएँ, और जो भी व्यवस्था हो सके उसकी सारी प्रोटोकॉल है जो सुबह से कि उस पेशेंट को क्या नाश्ता दिया जाना है, खाने में क्या होना चाहिए, नाश्ते में क्या होना चाहिए, सुबह से शाम तक जो भी खर्चा आएगा वो सब माधव सिंधिया स्वास्थ्य मिशन उठाएगा। मंडला पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह राजपूत जनता के साथ साथ पुलिस कर्मचारियों को भी कोविड संक्रमण से बचने के प्रयास कर रहे हैं, जिसको लेकर पुलिस अधीक्षक ने मार्गदर्शन में यातायात थाने में पदस्थ सूबेदार योगेश राजपूत ने जुगाड़ से भाप की मशीन बनाई है। चिकित्सकों की सलाह के अनुसार संक्रमण से बचने में भाप एक कारगर उपाय है। बता दें कि थाने में भाप लेने की व्यवस्था 24 घंटे की गई है। कोरोना संक्रमण की वर्तमान में ये स्थिति है कि जिससे जो वन पड़ रहा है संक्रमण को रोकने के लिए वो ये प्रयास कर रहे हैं। हमारे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार सभी थानों और पुलिस लाइन सभी को अधिकारी कर्मचारी को निर्देशित किया गया है कि इस तरीके के प्रयोग करें संक्रमण से बचने के लिए। इसी क्रम में हमने श्रीमान के निर्देशन में कुकर से एक व्यवस्था बनाई है, जिससे कि जो उसकी स्टीम है उसको पाइप के माध्यम से हम डायरेक्टली ले सकते हैं। चिकित्सकों के अनुसार भाप से सुरक्षा ज़्यादा उचित है। यह एक बहुत ही सिंपल सस्ता साधन है जिसका हम उपयोग कर रहे हैं। हमने यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार देखिए खबरें ताबड़तोड़। खबरों का सारथी। नमस्कार सम्मानित भाइयों और बहनों, जैसा कि आपको पता है कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर तेजी से बढ़ रही है, लेकिन ऐसे नाजुक वक्त में भी कुछ लोग कोरोना संबंधी दवा और इंजेक्शन की कालाबाजारी करने से बाज नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से मरीजों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ जहां हमारे चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मी अपनी जान की परवाह किए बगैर दिन रात लोगों की सेवा में जुटे हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग दवा की कालाबाजारी कर लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अब ऐसा करने वाले किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। सरकार पूरी तत्परता और गंभीरता से कोरोना महामारी से निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। हमारे लिए एक एक जान बहुत कीमती है। दवा डीलरों और मेडिकल स्टोर के समस्त संगठनों और संचालकों से मेरा विशेष अनुरोध है कि इस कालाबाजारी को रोकने में सरकार की मदद करें और मानवता का परिचय दें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। करपुर के जिला अस्पताल में सिविल सर्जन लखन तिवारी के साथ मारपीट हुई है। ये मारपीट संयुक्त कलेक्टर के सामने अज्ञात लोगों ने की है। अस्पताल के डॉक्टर कर्मचारी इकट्ठे होकर आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं मामले के बाद जिला पंचायत सीईओ एबी सिंह जिला अस्पताल पहुंचे और मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है।
छतरपुर जिले में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। जिले में पिछले 24 घंटे में आरटीपीसीआर के लिए 497 सैंपल भेजे गए थे, जिनमें 335 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो वहीं 280 सैंपल में 74 नए संक्रमित मिले हैं। कोरोना के कारण मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में होम आइसोलेटेड महिला समेत 10 लोगों की मौत की खबर मिली है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की गई है। छतरपुर जिले के हालात कोरोना संक्रमण के कारण दिनों दिन बिगड़ते हुए जा रहे हैं। होम आइसोलेट में गर्भवती महिला सहित 10 संक्रमितों की मौत की खबर सामने आ रही है। तो वहीं बीते दो दिन पूर्व रैपिड एंटीजन किट से जिला सत्र न्यायाधीश अरुण शर्मा संक्रमित मिले थे। शाजापुर के सुजालपुर के पास एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। इसे इलाज के लिए सुजालपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, लेकिन महिला ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जिसको लेकर पुलिस ने कार चालक पर मामला दर्ज कर उस पर संबंधित धारा के तहत कार्रवाई की है। विदिशा जिले के शमशाबाद में कोविड मरीजों के इलाज के लिए 30 बेड का कोविड केयर सेंटर खोला गया। अब शमशाबाद के कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज शमशाबाद में ही हो पाएगा। नवनिर्मित कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण करने के लिए सांसद राज बहादुर सिंह और क्षेत्रीय विधायक राजकीय रुद्र प्रताप सिंह शमशाबाद पहुंची। इस दौरान उन्होंने कोविड मरीजों को दी जाने वाली सुविधाओं का जायजा लिया। इसी के साथ सांसद राज बहादुर सिंह ने कोविड सेंटर में उपयोग होने वाले उपकरणों की कमी के बारे में भी जानकारी ली और जल्द ही कमी को पूरा करने की बात कही। जैसा उन्होंने डिमांड दिया है उस हिसाब से मैंने काफ़ी कुछ सामग्री अभी विधायक निधि से 30 लाख रुपए के लगभग आज सैंक्शन के लिए लेटर दे दिया है जिला योजना। भोपाल में बैरागढ़ के 3ME सेंटर में आर्मी कोविड सेंटर बनाया गया है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के साथ कलेक्टर अभिलाष नवानिया ने आर्मी कोविड सेंटर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान स्टेशन कमांडर आशुतोष शुक्ला भी साथ में मौजूद रहे। सेना द्वारा बनाए गए 150 बिस्तर के अस्पताल का निरीक्षण किया। सरकार की अपील पर 48 घंटे में सेना ने यह अस्पताल तैयार कर दिया है। से हमारा मिलिट्री का जो CCC है कोविड केयर सेंटर वो शुरू हुआ है। 150 बिस्तर का यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट है, जिसमें 40 बिस्तर महिलाओं के लिए डेडिकेट किए गए हैं। मैं सेना को बहुत धन्यवाद देता हूँ। मुरैना के जिला अस्पताल में बेड खत्म होने का नोटिस चिपका दिया है। जिला कलेक्टर बी कार्तिकेयन के आदेश पर यह नोटिस लगाया गया है। जिला अस्पताल में बेड खाली न होने की वजह से नए मरीज भर्ती नहीं किए जा रहे। लोगों का कहना है कि अब मरीज कहां जाएंगे, जब जिला अस्पताल में ही इस प्रकार का नोटिस लगा दिया गया। ऑक्सीजन भी केवल भर्ती मरीजों को ही मिल पा रही है। कोरोना के बढ़ते मामलों की रोकथाम के लिए पन्ना पुलिस की एक अनोखी पहल देखने को मिली। दरअसल पन्ना पुलिस द्वारा लोगों को कोरोना नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए यमराज का रूप धारण किया गया है, जो शहर के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर लोगों से कोरोना के नियमों का पालन करने की अपील कर रहे हैं। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक और राजस्व अधिकारी मौजूद रहे। हम लोगों ने आज आम जनता को जागरूक करने के साथ ही साथ एक नुक्कड़ नाटक के माध्यम से और यमराज के पात्र के माध्यम से आम जनता को समझाइश दिए कि वो कोरोना के संबंध में जो जनता कर्फ्यू है उसका पालन करें। कोरोना के लगातार बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए विजय राघवगढ़ विधायक संजय पाठक ने अपने निजी स्कूल साइना इंटरनेशनल स्कूल में 300 बेड के सांसद कोविड केयर सेंटर का शुभारंभ किया। विधायक संजय पाठक ने बताया कि कोविड सेंटर में मरीजों का बेहतर सुविधाओं के साथ उपचार किया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि कोविड सेंटर में ऑक्सीजन, रेमडेसिविर इंजेक्शन, भाप की मशीन और दवाइयों का पूरा इंतजाम किया गया है। जिनको बिस्तर नहीं मिल रहा है, जिनको कोई परेशानी है, वो जिला चिकित्सालय जाएं, वहां से अपने चिकित्सीय परीक्षण के उपरांत जो वहां से पर्ची बनवा के आएंगे उनको यहां पर सारी सुविधा दी जाएगी। इस केंद्र में भोजन पानी से लेकर रुकने खाने की व्यवस्था से लेकर सभी सुविधा दी गई है। लॉकडाउन के कारण कई शहरों में सन्नाटा पसरा हुआ है, जिससे जानवर जंगल छोड़कर शहर की गलियों में घूमते नजर आ रहे हैं। इसी तरह का एक मामला पन्ना से सामने आया है, जहां एक चीतल पन्ना के धाम मोहल्ले में जा पहुंचा और कुएं में गिर गया। चीतल के कुएं में गिरने की जानकारी वन विभाग को दी गई। जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद चीतल को कुएं से निकाला गया। छिंदवाड़ा में कोरोना के बढ़ते मरीजों और ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सिंह और सांसद नकुलनाथ सिंह ने छिंदवाड़ा को 200 ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराए हैं। आपको बता दें कि छिंदवाड़ा में ऑक्सीजन की कमी लगातार लोगों की जान ले रही है, जिसको देखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ ने ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए छिंदवाड़ा को 200 ऑक्सीजन सिलेंडर दिए हैं। आज कमलनाथ जी ने, नकुलनाथ जी ने 200 सिलेंडर बाजू में रखे हुए हैं, शासन के लिए लोगों की मदद के लिए भेजा हुआ है। डॉक्टर साहब और ठाकुर साहब, तहसीलदार साहब मेरे साथ खड़े हुए, उपते जी, नीलेश सुई के जी, विधायक जी, हम सब लोग चाहते हैं कि जनता को जल्दी से जल्दी राहत मिले।
इंदौर के चिरायू अस्पताल से डॉक्टरों और मरीजों के परिजनों के झगड़े का मामला सामने आया है। दरअसल इंदौर के चिरायू अस्पताल में भर्ती कोरोना मरीज की तबीयत बिगड़ने पर उसे दूसरे अस्पताल में भर्ती कराया जाना था, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने मरीज को डिस्चार्ज करने से पहले बिल की मांग की, जिस पर परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि बिल बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा चार्ज जोड़ा गया है। इसी बात को लेकर डॉक्टरों और मरीजों के परिजनों में जमकर झगड़ा हो गया। इसी बीच में कुछ बिल जो बना कि प्राइवेट वार्ड का बिल कुछ 10,000 आता है, 7,000 आता है जनरल वार्ड का, ऐसा कुछ था, तो उसमें बिल में कुछ अंतर आया 6-7 हज़ार का। इस बात दिन का आपस में लिखा। भोपाल जिले के ग्राम पड़रिया निवासी बद्री प्रसाद ने भोपाल के इंद्रपुरी में संचालित अनंतशी हॉस्पिटल पर चोरी के गंभीर आरोप लगाए हैं। बद्री प्रसाद ने बताया कि 5 दिन पहले उन्होंने अपनी कोरोना संक्रमित पत्नी को इंद्रपुरी स्थित अनंतशी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, लेकिन 5 दिन बाद भी उसे आराम नहीं लगा और उसकी मौत हो गई। बद्री प्रसाद ने बताया कि 5 दिन के उपचार में अस्पताल वालों ने उससे 150,000 रुपये लिए हैं, और जब उसकी पत्नी की मौत हो गई तो डॉक्टरों ने उसकी पत्नी के सारे गहने भी निकाल लिए, जिसको लेकर बद्री प्रसाद ने पिपलानी थाने में अस्पताल पर FIR दर्ज कराई है। दिन तक भर्ती रही, 1.5 लाख रुपए ले लिए इनने मुझसे, इसके बाद भी मुझे कोई राहत नहीं दी। और आज जब कल 10 बजे रात के ख़त्म हो गई तो उनके जेवर वो निकाल लिए इन लोगों ने। होशंगाबाद जिला कलेक्टर धनंजय सिंह ने होशंगाबाद के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डोलरिया में 12 बेड का कोविड केयर सेंटर बनाने के निर्देश दिए। साथ ही कलेक्टर धनंजय सिंह ने कहा कि कोविड केयर सेंटर में ऑक्सीजन, रेमडेसिविर इंजेक्शन और दवाइयों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इसके साथ धनंजय सिंह ने होशंगाबाद जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोविड केयर सेंटर बनाने के निर्देश दिए हैं, ताकि मरीज को इलाज के लिए यहाँ बाहर न भटकना पड़े। कोरोना के बढ़ते कहर को रोकने के लिए इंदौर में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और नगर निगम के रेसिडेंसी कोठी समीक्षा बैठक की। बैठक में संयुक्त रूप से 30 अप्रैल तक जनता कर्फ्यू का सख्ती से पालन कराने का निर्णय लिया गया। बैठक के बाद जिला कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि पहले कोरोना कर्फ्यू लगाया गया था, फिर जनता के सहयोग से शहर में जनता कर्फ्यू लगाया गया है, जिससे जनता का पूरा सहयोग मिल रहा है। कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि 30 अप्रैल तक जनता कर्फ्यू के सख्ती से पालन कराया जाएगा। जनता कर्फ्यू हो गया, कोविड केयर सेंटर में लोगों को शिफ्टिंग कराना हो गया, माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स बनाना हो गया, और जो भी शंकास्पद लोग हैं तत्काल वो कोविड का ओरल मेडिकेशन शुरू कर दें। चारों प्रयास से संक्रमण की स्पीड में कमी आती है, चारों ही फ्रंट में हम लोग कार्य कर रहे हैं इस समय। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए प्रदेश के अलग अलग जिलों में कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। भिंड जिले में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए पुलिस अधीक्षक ने एक अनोखी पहल की है। दरअसल भिंड पुलिस अधीक्षक ने क्षेत्रवासियों से शादियों में भीड़ न जोड़ने की अपील की है। उन्होंने सभी से 10-10 लोगों में शादी करने की अपील की है। इसी के साथ पुलिस अधीक्षक मनोज सिंह ने लोगों से कहा कि यदि वे सिर्फ 10 लोगों को शादी में आमंत्रित करेंगे तो दूल्हा दुल्हन को उनके घर बुलाकर सम्मानित किया जाएगा। हम लोगों ने एक नया आइडिया निकाला है कि जहां भी 10 या 10 से कम शादियों में लोग सम्मिलित होंगे उनको सम्मानित किया जाएगा, प्रशासन की तरफ से भी सम्मानित किया जाएगा, और मैं अपने घर में अपने परिवार के साथ उन्हें बैठाकर डिनर कराऊंगा। विदिशा जिले के ग्यारसपुर में GMG स्कूल में बनाए गए 50 बेड के कोविड केयर सेंटर का CMHO फिलांसी नरीवाल ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कोविड केयर सेंटर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और कोविड केयर सेंटर की व्यवस्थाओं में जुटे अधिकारी कर्मचारियों की प्रशंसा की। इसी के साथ CMHO ने BMO को जरूरत पड़ने पर और बेड बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। विदिशा जिले के गंजबासौदा में कोरोना नियमों का उल्लंघन करने पर पुलिस ने लोगों को पूरे नगर में पैदल घुमाया, लेकिन इस दौरान पुलिस प्रशासन ये भूल गया कि कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने की सजा देने पर भी गाइडलाइन का ख्याल रखना चाहिए। जब पुलिस लोगों को नगर में घुमा रही थी तब लोगों के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां